बेटा दवाइयां तो ला दे। अरे पापा, दवाइयां लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। ये बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से करते हैं। आज गुर्जर आंदोलन में निर्णायक मोड़ आ सकता है। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में वार्ता होगी। कैबिनेट सब कमेटी और 11 गुर्जर नेताओं के बीच में ये वार्ता होगी। गेस्ट हाउस में अधिकारियों ने कमान संभाली है। मंत्री बी डी कल्ला और सुभाष गर्ग भी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। प्रदेश से बाहर होने के कारण मंत्री रघु शर्मा शामिल नहीं हो सकेंगे। बातचीत से पहले मंत्री बी डी कल्ला ने फर्स्ट इंडिया से बात की और कहा कि सरकार हमेशा ही सकारात्मक वार्ता के पक्ष में रही है। हम गुर्जर समाज की सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कानून सम्मत जो भी फैसला हो सकता है उसे करेंगे। तो निर्णायक है आज की वार्ता। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी। मंत्री बी डी कल्ला, मंत्री सुभाष गर्ग पहुंच चुके हैं, तो कुछ ना कुछ हल आज निकलने की उम्मीद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में आज ये वार्ता होने जा रही है। गुर्जर आंदोलन का हल आज निकलेगा ये उम्मीद जरूर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वार्ता है, कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर नेताओं के बीच ये वार्ता होगी। कर्नल बैसला भी मौजूद रहेंगे इस वार्ता में। तो गेस्ट हाउस में सरकार और गुर्जर नेताओं में वार्ता होगी। मंत्री बी डी कल्ला और टीकाराम जूली भी वार्ता के लिए पहुंचे हैं। आरएसीबी गेस्ट हाउस में वार्ता है। बातचीत से पहले मंत्री बी डी कल्ला ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और कहा कि सरकार हमेशा ही सकारात्मक वार्ता के पक्ष में रही है। हम गुर्जर समाज की सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कानून सम्मत जो भी फैसला हो सकता है उसे करेंगे। पूरी तरह से सकारात्मक है हम इस वार्ता को लेकर। शुरू से ही आप जान रहे हैं कि वार्ता के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। आज सब लोग आ रहे हैं, उनसे बात करके उम्मीद है कि प्राय प्राय जो जेन्युइन बातें हैं उनको मानने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो, अभी उनको सुनते हैं, पहले सुनने के बाद फिर बता पाएंगे क्या स्थिति है। लेकिन सकारात्मक है सरकार अपनी तरफ से? हाँ, निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल सकारात्मक है। तो सरकार पूरी तरह से इस वार्ता को लेकर सकारात्मक है। आरएसीबी गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी और कहना भी बीडी कल्ला का यही कि कानून सम्मत जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। तो बेहद अहम ये वार्ता है सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच। मंत्री बीडी कल्ला और टीकाराम जूली भी वार्ता के लिए पहुंचे हैं आरएसीबी गेस्ट हाउस, जहां पर ये वार्ता होनी है। सकारात्मक पहल लगातार सरकार करती रही है और सकारात्मक वार्ता के पक्ष में भी हमेशा सरकार रही है। हम गुर्जर समाज की सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ये कहना था मंत्री बी डी कल्ला का। उनकी बातों को सुनेंगे, जो कानून सम्मत जो भी फैसला लिया जा सकता है, बेहतर फैसला लिया जा सकता है वो लेने की कोशिश रहेगी। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता निजाम कंटालिया का रुख करते हैं। निजाम, देखिए बेहद अहम है, जब महामारी के बीच ये आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन जारी है, कई बार कोशिश की गई ट्रैक पर जाकर बातचीत करने की कि इन्हें मना लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी गुर्जर मानने को तैयार नहीं। अब इसके बाद आज जो ये बैठक होने जा रही है, ये वार्ता होने जा रही है, वो कितनी अहम है और कितनी उम्मीद लगाई जाए कि सकारात्मक होगी और ये आंदोलन खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए श्वेता, कि एक आंदोलन 1 नवंबर से जो आंदोलन शुरू हुआ था फिलुपुरा में, उसके बाद सरकार की ओर से सोमवार को अशोक चांदना भी गए थे मौके पर, उन्होंने बात भी की है। और उसके बाद आखिरकार ये कह सकते हैं कि आज खुद जो है इसमें सकारात्मक जो संकेत जो एक नज़र आ रहा है वो यही कि जो खुद कर्नल बैसला हैं अपने बेटे विजय बैसला के साथ जो टीम है उनकी, उनको लेकर वो आज बातचीत करेंगे। जो सब कमेटी है उसके साथ बैठक होगी। सब कमेटी के जो मेम्बर्स हैं डॉक्टर बी डी कल्ला है, सुभाष गर्ग के साथ ही जो टीकाराम हैं, मंत्री टीकाराम वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ ही जो अधिकारी हैं सिद्धार्थ महाजन सहित जो आईएएस हैं, कई आईएएस वो पहुँच चुके हैं। तो एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से, कि ताकि जो दिवाली है, और साथ ही देखिए दिवाली का त्यौहार है, इसके साथ ही जो कोरोना के चलते लगातार स्थितियाँ बिगड़ रही है उसको भी देखते हुए कि आंदोलन को लंबे समय तक चलाया जाना उचित नहीं होगा। दोनों ही पक्ष जो है
दोनों जो सरकार की ओर से भी एक तरह से पहल की गई है ताकि उनको बुलाया गया है, उनका स्वागत, उनको साफ तौर से कहा गया था कि अगर कर्नल बैसला जयपुर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो आज इंतज़ार कर रहे हैं कर्नल बैसला का और उनकी टीम का, और सब कमेटी के जो मंत्री हैं तीनों वो पहुँच चुके हैं, चूँकि जो सहकार मार्ग पर जो बिजली विभाग का जो विश्राम स्थल है गेस्ट हाउस है वहाँ पर ये मीटिंग होनी है, चूँकि अब करीब 40 मिनट का वक्त लग सकता है दोनों को ही आने में, जो कर्नल बैसला और विजय बैसला जो उनकी टीम है उनको आने में करीब 40 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी दोसा क्रॉस किया है पूरी टीम के साथ। तो आज इसमें एक सकारात्मक संदेश की उम्मीद है कि यहाँ पर जो है आज कुछ इस आंदोलन को कह सकते हैं कि एक खात्मे की ओर से ये एक संदेश मिल सकता है। रवि जैन जो हैं यहाँ पहुँचे हैं अभी, इसके साथ ही जो दूसरे अन्य अधिकारी हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन करीब ऐसा मान के चलिए कि 2 बजे के करीब ये जो है मीटिंग का एक आसरा जो है समझ में आ सकता है कि क्या कुछ होगा दोनों की स्थिति के बाद में। कर्नल बैसला, विजय बैसला फिलहाल जब हमारी अभी बात हुई कुछ ही देर पहले तो उन्होंने बताया कि वो दौसा से निकल चुके हैं और सीधे यहाँ पर जो गेस्ट हाउस हैं वहाँ पहुँचेंगे। एक संकेत और मिलता है कि जो गुर्जर आंदोलन के साथ जो गुर्जर आंदोलनकारियों की एक मांग है कि जो जयपुर में गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत की थी सरकार ने और जो मांगे मानी थी और जो बातचीत का ब्यौरा था उसको रद्द किया जाए, ये एक बड़ी अड़चन आ रही है, क्योंकि ये एक बड़ा कवायद भी है कह सकते हैं। ये कर्नल बैसला और उनकी जो टीम है वो नहीं चाहते कि जो दूसरी टीम है वो कहीं अपना प्रभुत्व जमाए, इसलिए उनकी वो मांग जो है वो एक बीच में अड़चन रही थी। आज देखते हैं कि इस बैठक में जो आज दोनों के सब कमेटी और जो कर्नल बैसला की जो टीम है उनके साथ जो मीटिंग होती है उसका क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो दोनों ही तरफ से एक सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि आज की जो ये बैठक है अहम साबित हो सकती है आंदोलन को एक अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने में। जी सर निजाम, बिल्कुल। और पहले की अगर बात की जाए, जब 1 तारीख से इनका ये आंदोलन शुरू हुआ, लगातार वार्ता के लिए सरकार की तरफ से निमंत्रण भी रहा कि आप आइए, बातचीत होती है, टेबल पर बैठकर रास्ता निकाला जाता है, लेकिन लगातार सख्त रहे कर्नल बैसला और कहना उनका यह था कि जो भी बात करनी है वो ट्रैक पर आकर करिए। अब जब वो खुद यहां पर आ रहे हैं वार्ता के लिए, जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से भी थोड़ा सकारात्मक है कि कहीं ना कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ सकती है। बिल्कुल श्वेता, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 8 दिन, मतलब पहला जो सप्ताह था 1 सप्ताह तक, वो लगातार यही कहते रहे कि जो भी बात होगी वो मौके पर होगी, आंदोलन स्थल पर होगी, पटरियों पर होगी, लेकिन पिछले 2 दिनों में उनका जो लगातार जिस तरीके से सरकार ने उनके सामने प्रस्ताव भेजा और सरकार ने जो सकारात्मक रूप दिखाया उसका प्रभाव पड़ा, और साथ ही जो मंत्रियों की लगातार उनसे बातचीत हो रही है उसका भी एक इफेक्ट पड़ा है कि कर्नल बैसला एक तरह से तैयार हुए, वो सरकार सब कमेटी के साथ जयपुर में आकर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हुए। तो ये एक संकेत भी है कि भाई उन्होंने जो कर्नल बैसला 2 दिन पूर्व तक पूरी तरह से साफ तौर से कह रहे थे कि वो जो भी बातचीत होगी वो पटरियों पर होगी, वो उससे हटे हैं, अपनी जिद से हटे हैं और वो आगे बढ़े हैं। तो दूसरी तरफ सरकार भी आगे बढ़ी है और सरकार ने कहा है कि वो सब कमेटी के साथ पहले अपनी सारी जो जितनी भी जो मांगे हैं या जिस तरीके की जो पॉइंट्स हैं उन पर वो चर्चा कर ले। और जैसा कि एक संकेत और भी मिल रहा है श्वेता इस मामले में कि अगर जैसे दोनों ही आज जो मीटिंग है, मीटिंग के बाद जैसे अधिकांश बिंदुओं पर बातचीत होने के बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाए और आंदोलन अगर समाप्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो दो कमेटी और जो पूरा विजय कर्नल बैसला की जो टीम है वो बाद में सीएम के पास जो है मुलाकात के लिए जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है ये बैठक बड़ी अहम होगी इस पूरे पटाक्षेप के लिए, क्योंकि इस बैठक में जो इनकी मांगे हैं कर्नल बैसला और उनकी टीम की, गुर्जर आंदोलनकारियों की, उस पर काफ़ी सकारात्मक जो है नतीजे सामने आने की उम्मीद है, इसीलिए दोनों पक्ष जो हैं पूरी तैयारी के साथ जो कह सकते हैं इस बैठक के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन 1 तारीख से क्योंकि आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी 14 सदस्यीय दल था जो मुलाकात किया था और इस पर बातचीत हुई, उन्होंने सहमति जताई, लेकिन इसके इतर कर्नल बैसला राजी नहीं हुए थे और उनका कहना था कि हम मुझसे तो बात नहीं हुई है। अब जो सदस्य आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जर नेता और सरकार के बीच में वार्ता है, इस खास वार्ता में किस किस की मौजूदगी रहेगी निजाम, वो भी जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए कि खासतौर से जो गृह सचिव है अभय कुमार वो रहेंगे, इसके जो IAS सिद्धार्थ महाजन हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, और दूसरे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जिस डिपार्टमेंट्स में गुर्जर नेताओं के या गुर्जर के गुर्जर समाज से जुड़ी जो कह सकते हैं सरकारी भर्तियाँ हैं उनसे जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं, उन डिपार्टमेंट्स के लोग भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके सब कमेटी के तीनों मंत्री, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, वो आ चुके हैं। तो जो सरकार की ओर से अमूनन 7 से 8 डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो मौजूद रह सकते हैं, और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो कर्नल बैसला की टीम है वो भी अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही है, जिसमें वो अपनी अपनी जो अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हैं वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये बात हुई। और रही बात श्वेता, जिस तरीके से आपने कहा कि जो पहले जो वार्ता हुई थी सोमवार को अशोक चांदना के साथ वो असफल रही थी, उसका एक बड़ा कारण जो है, कहें विजय बैसला और साफ तौर से कहें तो अशोक चांदना, दोनों का ही व्यवहार जो था वो एक दूसरे के प्रति जो कह सकते हैं उनका दोनों का जो व्यवहार थोड़ा उस समय उग्र हुआ, और इसकी वजह से ये एक बड़ा कारण था कि उस दिन वो वार्ता असफल रही। इसके लिए दोनों, क्योंकि जिस समय अशोक चांदना ने वहाँ जब आंदोलन के दौरान कुछ बातें कही तो उसके बाद वहाँ जो लोग बैठे थे, जो आंदोलनकारी थे, जो गुर्जर नेता थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आप गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं, यानी कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके समाज के प्रतिनिधि भी हैं वो और मंत्री भी हैं तो वो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो वार्ता असफल रही। तो इसलिए ये माना गया था कि भाई जो विजय बैसला है वो भी अपने स्वभाव से थोड़े उग्र माने जाते हैं, और इधर जो अशोक चांदना है उनका भी स्वभाव में वहां पर जो जिस तरीके से बातें हुई उसके नतीजे से यही माना जाए कि आज की इस वार्ता में उनकी मौजूदगी नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें कई बार उन्होंने कहा कि हम संपर्क में हैं, फोन पर बातचीत हुई है, अशोक चांदना एकदम फ्रंट पर थे और लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार की वार्ता के बाद जिस तरह से थोड़ा सा गहमा गहमी हुई और वो जाते समय ये भी बोलकर गए कि आप लोग मुझे निराश कर भेज रहे हैं, क्या यही वजह माने कि आज उनकी मौजूदगी यहां पर नहीं है? देखिए फिलहाल अभी तक हमारे पास यही जानकारी है कि अशोक चांदना का जो है इस बैठक में आना तय है या नहीं, इसको लेकर क्लियरिटी नहीं है, ना अधिकारियों के पास इसकी कोई जानकारी है, लेकिन अमूमन तौर पर जैसे जो गुर्जर नेता है, गुर्जर आंदोलनकारी है जो आ रहे हैं, विजय बैसला, कर्नल बैसला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्नल बैसला ने एक तरीके से इस पूरे आंदोलन की जो है कमान अपने बेटे को सौंपने की जो कवायद की है, एक तरह से गुर्जर नेता के रूप में स्थापित करने का जो ये प्रयास था, इसमें भी ये भी हमने देखा है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि जो अशोक चांदना के साथ जो है विजय बैसला की तकरार लंबी बढ़े, और जैसे अभी कुछ देर पहले भी जैसे बातचीत हुई तो उनका यही था कि क्या इस मीटिंग में वो अशोक चांदना भी मौजूद हैं या नहीं, तो उनकी तरफ से भी इंक्वायरी हो रही, क्योंकि गुर्जर नेताओं को भी अभी फिलहाल नहीं पता है कि क्या अशोक चांदना यहाँ शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ मौके पर जहाँ हम बिजली विभाग का जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर भी फिलहाल किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि क्या अशोक चांदना अभी इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पिछले बैठक में विजय बैसला और अशोक चांदना के बीच गहमा गहमी हुआ, जो तकरार हुई थी उसके बाद, मुमकिन है कि सरकार अशोक चांदना को इस बैठक से थोड़ा अलग रखे। निजाम, लेकिन एक और बात है, क्योंकि पहले से कह दिया गया था गुर्जर समाज की तरफ से कि हम अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तो 1 तारीख से हम आंदोलन करेंगे, ट्रैक पर बैठेंगे। उसके पहले बहुत कोशिश सरकार की तरफ से की गई, कई मांगों को मान भी लिया गया है, लगभग कहा जा रहा था कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक ही दो मांग पर अड़े रहना, लेकिन सरकार की तरफ से, उनके प्रतिनिधियों की तरफ से कहना कि लगभग सब चीजें पूरी हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए, और इन्होंने कहा कि हम वक्त देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वक्त निकल चुका है। अब अगर ऐसे में, क्योंकि BD कल्ला भी कह रहे कि कानून सम्मत जो कुछ पॉसिबल होगा वो फैसला लिया जाएगा, और उसके लिए सरकार सकारात्मक है और लगातार पहल यही कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कि अगर थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं या कानूनी रूप से अगर अभी उसे अमल करना नहीं है जैसा कि पहले भी हुआ था, ऐसे में फिर से वक्त दिया जा सकता है गुर्जर समाज की तरफ से? अब वो उतने ज्यादा अडिग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो चीज सरकार के हाथ में ही नहीं होगी उसे तुरंत कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बैकलॉग का मामला है, बैकलॉग का मामला हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुका है, हाईकोर्ट के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है कि वो बैकलॉग जो भरे जाने को लेकर हैं, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो सरकार कोई फैसला कैसे ले सकती है? सरकार जब फैसला उसमें ले ही नहीं सकती है सुप्रीम कोर्ट में SLP के पेंडिंग रहते हैं, और सरकार ने ही गुर्जर समाज के पक्ष में एक तरह से SLP की है, तो वो खुद इंतजार करेंगे। तो ऐसे कई बिंदु हैं जो आप सही कह रहे हैं कि कहीं कानूनी लीगल इशूज हैं जिनसे आगे
बढ़ा नहीं जा सकता। रही बात जो मुकदमे वापस लिए जाने की बात थी, वो सरकार ने माने भी हैं, कई स्तर पर मानी थी, और उसमें जो गुर्जर नेताओं की हैं करीब 60-70% जो उनके अनुसार दोनों पक्षों के जो दावे हैं 60-70% ये माना जा रहा है कि उनके जो पॉइंट्स हैं वो मान लिए गए थे आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे वो वापस लिए जाने को लेकर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि गुर्जर नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है। लगातार जो है, एक बात कहें तो इस मामले में जो पिछला आंदोलन था, हमने देखा था कि फरवरी 2019 का जो करीब 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2019 तक जो आंदोलन चला था, उसके बाद से लेकर आज की बात, अब जो वर्तमान में जो चल रहा है 11 दिन से आंदोलन, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आंदोलन जो पहले एक मजबूत कह सकते हैं कि कर्नल बैसला जो काफ़ी अपनी बड़ी टीम के साथ थे, उनकी टीम भी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने से कह सकते हैं अपना जो नेतृत्व है वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र करने का, एक जो इस आपने देखा कि इस 1 नवंबर के बाद 11 नवंबर हो चुकी है, और एक वो अपने कामयाब रहे हैं गुर्जर नेता के रूप में स्थापित करने में, अपने जो विजय बैसला हैं उसको स्थापित करने में उनके जो प्रयास थे या उनका जो कह सकते हैं वो कामयाब रहे इस हद तक। तो अब वो चाहेंगे कि आज की जो बैठक है उस बैठक में वो विजय बैसला को आगे करेंगे। वो सामने दिख भी रहा है कि वो अपनी टीम में धीरे धीरे उनसे जो दूसरे लोग थे जो नेतृत्व कर सकते थे या उनको लगता था चुनौती कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि कमान विजय बैसला को कर्नल बैसला सौंपना चाहते हैं। और जैसा कि निजाम आपने बताया भी कि दौसा से रवाना हो चुके हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2 बजे तक ये वार्ता शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है। लगातार आप नजर रखिए, आगे भी इस पर अपडेट हम लेंगे और उम्मीद यही कि सकारात्मक ये वार्ता रहे और जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो। बहुत शुक्रिया निजाम इस पूरी बातचीत।